हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली एक सीरीज़ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स का। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस, आप इन्हें 1, 2, 3, 4 कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो शटल होता है एक से दूसरे की तरफ और अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास ये पहुँचता है। ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया जाता है टू फॉर्म वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पंप होते हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और इस मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन की मदद से अल्टीमेटली एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल करते हुए एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। इसको हम ट्रिक्स की मदद से समझेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आगे आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताया गया है कि हर एक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स वन की बात करते हैं जिसको कि हम यूबीक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज के नाम से भी जानते हैं, ये NADH डीहाइड्रोजनेज से बना है और FMN से बना है और आयरन सल्फर क्लस्टर से बना है, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स वन। फिर होता है कॉम्प्लेक्स टू जिसको कि हम सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है सक्सीनेट से जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल का एक इंटरमीडिएट है और एक्ट करता है सेकेंड एंट्री पॉइंट के लिए टू द ETC। जब सक्सीनेट ऑक्सीडाइज करता है फ्यूमरेट में दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं बाई FAD विद इन कॉम्प्लेक्स टू। FAD पास करता है इन्हें आयरन सल्फर क्लस्टर को और उसके बाद कोएंजाइम क्यू को जैसे सिमिलर जैसे कि कॉम्प्लेक्स वन में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे FMN आयरन सल्फर क्लस्टर वगैरह है। NADH डिहाइड्रोजनेज की मदद से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुए, कोएंजाइम QH2 पूल में गए, उसके बाद साइकिल जो चलती है यहाँ पर, इसके बाद ये पहुँचते हैं आपके मतलब बेसिकली जो आपका कॉम्प्लेक्स टू है वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स थ्री। कॉम्प्लेक्स थ्री इसको हम साइटोक्रोम सी रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। ये साइटोक्रोम बी रेस के सब यूनिट्स से मिलके और साइटोक्रोम सी प्रोटीन से मिलके बना होता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स थ्री साइटोक्रोम BC1। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री। इस तरीके से बी और आयरन सल्फर क्लस्टर और साइटोक्रोम C1 के पास होते हुए उसके बाद में पहुँचता है ये साइटोक्रोम सी के पास में। फिर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स फोर आता है जिसको कि हम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। ये साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज करता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन के पास में जो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन कैरियर है इन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। द साइटोक्रोम प्रोटीन्स A and A3 इसके अलावा हीम और कॉपर ग्रुप जो है ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फोर में और ये ट्रांसफ़र करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर, डाई ऑक्सीजन स्पीशीज़ के पास में। और डाई ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाती है जो मैंने शुरू में आपको यहाँ पर बताया था। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं अल्टीमेटली यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होता है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उससे यूज़ करते हुए आप देख सकते हो यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्टीमेटली फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आता है जिसको कि हम ATP सिंथेस के नाम से भी जानते हैं। ये ETC से जनरेटेड जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसको इस्तेमाल करता है जो मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ जाता है और इसकी मदद से ATP बनता है। ATP सिंथेस में F0 और F1 सब यूनिट्स पाई जाती हैं। तो ये तो हुई बात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कि कहाँ से कहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सो इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल, आपको बस ये याद रखना है कि एक तरफ मैट्रिक्स है, एक तरफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वो प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ये सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, एक से बाद एक के बाद एक दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता जाता है और रिडॉक्स रिएक्शंस होते जाती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को देना और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे एक छोटा सा इसको याद करने का ट्रिक है। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ जो है ये मैंने आपके इसके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं और इनके नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो ट्रिक है नमक दे, सॉस दे और ABC जब आप पढ़ते हो ना, या फिर आप वो उसको उल्टा मैनर में पढ़ो तो CBA पढ़ के ATP बनाएंगे। तो क्या क्या दे दो, नमक दे दो, सॉस दे दो और CBA पढ़ के को छोड़ देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे तीनों जगह मैंने सेम तरीके से मेंशन कर दिया है और ATP बनाएंगे। नमक NADE, NA मतलब कि NADH डिहाइड्रोजनेज और FMN यहाँ पर प्रेजेंट है। सॉस सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज और इसके साथ में FADH2 डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंट है, मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं साथ में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फिर CAB, साइटोक्रोम CB और अल्टीमेटली A और A3। तो C1 होता है यहाँ पे, B होता है और साइटोक्रोम C, A और A3 यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस कॉम्प्लेक्स में।
पढ़ के को हम छोड़ देंगे और एटीपी अल्टीमेटली बनेगा और एटीपी सिंथेस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 नमक दे, सॉस दे, सीबीए पढ़ के एटीपी बनाएंगे। आई होप यू हैव लाइक द ट्रिक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। लेट मी नो और किस टॉपिक पे ईटीसी के लिए मुझे आप लोगों ने में से किसी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, तो आई हैव मेड द वीडियो। लेट मी नो ऑन किस किस टॉपिक पे आप लोग वीडियोज़ चाहते हैं। आई विल मेक द वीडियोज़ फॉर श्योर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।